हाय गाइस, वेलकम टू एजुकेशन जीके। इस वीडियो में हम रीजनिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें टॉपिक आता है वाटर इमेजेस एंड मिरर इमेजेस के। ठीक है, तो गाइस जितने भी एग्जाम आते हैं सभी में इस तरह का टॉपिक आ सकता है, आते हैं पीपीएससी पीसीएस एंड रेलवेज में एंड एसएससी में इस तरह के टॉपिक्स आते ही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं जो इसमें फंस जाते हैं, ठीक है, इसको अच्छी तरह से कर नहीं पाते क्योंकि इसके जो ऑप्शंस होते हैं वो सेम होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको कम टाइम में तकरीबन 2 सेकंड में आप इसको हल कर लेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो, अगर आप समझ गए किस तरह से इसको करना है। ठीक है, तो गाइस देखिए, इस टॉपिक को करने का कोई भी फार्मूला नहीं है। सबसे पहली बात, कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ आपको अपने दिमाग से अपना दिमाग लगा के आपको इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, मैं आपको तरतीब बताऊंगा किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले मैं रीजनिंग के टॉपिक्स, जो 3 टॉपिक्स हैं, जो उस पर मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाइए चैनल की, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं इसके। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे आपको। देखिए, आपको कोई इमेज दी जाएगी, मान लीजिए ऐसी इमेज होगी, उसके बाद आपको ऑप्शन पूछे जाएंगे कि मिरर इमेज या फिर वाटर इमेज में इसमें इसका उल्ट किस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, आपको जो सही ऑप्शन है वो टिक करना होता है। तो इन्होंने क्या किया होता है, इन्होंने 4 ऑप्शन सेम रखे होते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी मिस्टेक रखी होती है उनमें। तो जो कैंडिडेट ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करी है उसको पता चल जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, यानी कि क्या इसमें मिस्टेक है और क्या कौन सा सही आएगा। ठीक है, ये सिर्फ प्रैक्टिस पर मैटर करता है और आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं जे। तो ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, सॉरी ये क्वेश्चन है अल्फाबेटिकली। ठीक है, अल्फाबेटिकली क्वेश्चन है जिसमें न्यूक्लियर दिया हुआ है, तो आपको इसका उलट बताना है, यानी कि मिरर इमेजेस में या फिर वाटर इमेजेस में ये किस तरह का दिखेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे एन, ठीक है, फर्स्ट वर्ड कौन सा है एन। तो देखिए, इसके सामने आपने मिरर रख दिया या फिर बटर रख दिया, सेम ही है, तो आपको कैसा दिखेगा। देखिए, जहाँ पे ख़त्म होगा वहीं पे शुरू होगा, यानी कि नीचे से ऐसा एंड ऐसा, समझ गए आप। देखिए, जहाँ पे अगर आपको जहाँ पे एक डंडी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको एक कोन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो जहाँ पे जो शुरू होगा वो ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल, तो इस तरह का एन होगा आपका। तो आपको जहाँ पे ढूंढना, सबसे पहले ऑप्शन वन ले लेते हैं, ऑप्शन वाइज करना होता है इस क्वेश्चन को। तो आर दिया हुआ जी, तो पहले गलत हो गया क्योंकि आर तो आएगा नहीं, एन आएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन एन, बिल्कुल जी हाँ, एन बिल्कुल वैसा दिया हो तो सेकंड ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, एन बिल्कुल वैसा, हाँ थर्ड भी हो सकता है एंड फोर्थ भी हो सकता है। अब सेकंड वर्ड लेते हैं यू, ठीक है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया ना। देखिए, अब यू के सामने अगर आपने मिरर रख दिया तो यू में ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, कॉमन सी बात है। तो आपको ढूंढना है कि इस तरह से कौन सा दिखाई दे रहा है, यू जे सही है, उसके बाद जे गलत है क्योंकि इन्होंने ऐसे दिया तो ऐसे यू नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए ये गलत है। अब आपके पास ऑप्शन बचे दो, जी भी सही है, अब आपके पास ऑप्शन बचे दो, 1 और 2, इनमें से आपका जो सही आंसर होगा। अब बात करते हैं सी की, तो सी भी सही है, बिल्कुल सेम है दोनों का। अब बात करते हैं जो कन्फ्यूज़न है वो है एल में, एल जहाँ पे अलग है यहाँ पे अलग है, तो एल में ही गड़बड़ी है, इसी से आप ढूंढ पाओगे। तो देखिए, एल है ऐसे, मिरर हो गया ऐसे, तो एल कैसे आएगा। देखिए, जाहिर है कि एल जब उल्टा होगा तो आएगा तो ऐसे ही, ठीक है, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, समझ गए। तो जहाँ पे भी एल ऐसा होगा वही आपका होगा आंसर। तो गाइस ऑप्शन डी में आपका जो सही आंसर है, बाकी आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब दोबारा से हम क्वेश्चंस करेंगे इसी तरह के। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें भी आपको मिरर मेजर में बताना है कि किस तरह से, या फिर वाटर मेजर में बताना है कि किस तरह से आपको ये दिखेगा। तो सबसे पहले बी है, ठीक है, तो बी का मिरर में कैसा दिखेगा, बी दिखेगा जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से शुरू होगा, इस बात को नोट कीजिएगा। ठीक है, यानी कि बी दिखेगा ऐसा, ओके, पी की तरह, उल्टा पी, सीधा पी। अब बात करते हैं कि पी की तरह सारे दिख रहे हैं तो सारे होंगे। उसके बाद आर की बात करते हैं, ठीक है, तो आर देखिए, आर की जो ऐसे, आर की जो डंडी है ना, दोबारा मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, तो ऐसी डंडी है जो आर की, तो शुरू कैसे कहाँ से होगा, शुरू भी डंडी से होगा, यानी कि जो डंडी होगी जी ऊपर होगी। तो इसकी जो देखिए, ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों की डंडी नीचे है, तो ये दोनों गलत होंगे।
ठीक है, आपका आंसर होगा इन दोनों में से, ठीक है, इधर भी आर की डंडी ऊपर है, इधर भी, तो ये सही है। अब बात करें आई की, तो आई की देखिए, आई ऐसा है ना, तो आई कहाँ से होगा, आई की जो जो पॉइंट है वो नीचे होगा, यानी कि ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो अब जहाँ पे दोनों पर आई वैसे ही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करते हैं डी की, तो डी देखिए, डी में जहाँ पे अंतर दिया हुआ, तो आपको डी में अगर आपको आंसर मिल गया तो आपका सही आंसर हो जाएगा। डी से ही क्या है, ऐसे होता है, अगर डी को मिरर इमेज में देखा जाए तो डी बिल्कुल ऐसे दिखेगा, ठीक है, डी की डंडी इस तरफ रहेगी। तो देखिए जहाँ पे ऑप्शन फोर में क्या किया गया है, डी की डंडी है जो इस तरह से दी गई है, डी को पी बताया गया, तो ये गलत है, आपको जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो गाइस ये प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस मैटर करती है आपको, और आपका दिमाग लगाना पड़ेगा आपको सही तरह से। तो इस एग्ज़ाम, इसको आप एग्ज़ाम में बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में चार पांच, जो पीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पांच क्वेश्चन तो आने वाले हैं इसके, ठीक है, एसएससी में भी आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसमें क्या, इसमें देखिए GR98AP76ES, तो इसको आपने सॉल्व करना है, काफ़ी लंबा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सारे को चेक कर लेने हैं। पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए, जी, बिल्कुल जी, सेम तरह के लिखा हो, इसका मतलब जी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आर की बात करते हैं, आर की डंडी कहाँ पे है, ये देखिए आर की ऐसी है ना, तो इधर भी आर की डंडी इधर ही होनी चाहिए, इधर नहीं होगी, तो इधर सही है, इधर सही है, इधर गलत है, तो जहाँ पे तो जे हो गया एलिमिनेट। अब आपके पास तीन ऑप्शन बचे, 1, 3 एंड 4, ठीक है। अब बात करते हैं 9 की, तो देखिए 9 ऐसे है ना, तो जो आपका इमेजेस में आएगा वो इधर डंडी आएगी, ठीक है, तो ऐसे दिखेगा आपको, तो कहाँ पे है जी, जहाँ पे तो नहीं है, आपका ऑप्शन फर्स्ट भी गलत हो गया, तो सेकंड ऑप्शन और सॉरी थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, एट भी सेम है। उसके बाद ए, तो ए से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे ए लिखा हुआ है। अब क्या होगा, अब जो ए की जो लेग्स हैं वो ऐसे होंगी, यानी कि उल्टा हो जाएगा, तो किस में ऐसा लिखा हुआ, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, तो डी में लिखा हुआ सीधा लिखा हुआ, तो डी में तो हो ही नहीं सकता, तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो गाइज आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, अपने मन में बना लो या फिर आप कॉपी भी ले सकते हो, लिख सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, बस करना सही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस तरह का डायग्राम आपको आएगा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, सबसे ज़्यादा आसान, देखिए इन्होंने क्या किया, पहले दो खाने हैं, ठीक है, ऊपर वाले में जो इन्होंने ट्राइंगल दिया हुआ ऐसे, और नीचे वाले में इन्होंने सर्कल दिया हुआ। अब क्या होगा, यानी कि अगर आपने इसके नीचे मिरर लगा दिया, ठीक है, छोटा करके लिख लेता हूँ, अगर आपने इसके नीचे मिरर लगा दिया तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले आएगा ऊपर आपका सर्कल, तो इनमें से कितने ऑप्शन है जिसपे ऊपर सर्कल है, जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे नहीं है, तो आपके पास बचे ऑप्शन दो, ठीक है, सीधा सीधा आंसर है, आपके पास दो ऑप्शन बचे, इन दोनों में से आपका आंसर होगा सही। उसके बाद जो ऊपर दिया हुआ है जी, ठीक है, ऊपर जो कोण दिया हुआ है, यानी कि ट्राइंगल दिया हुआ है ऊपर, तो जब मिरर में ये कैसा शो होगा, ठीक है, मिरर में जो शो होगा उल्टा, अगर आपको ऐसा दिया है तो आपको जो ऐसा हो जाएगा, तो इन दोनों में से कहाँ पे ऐसा है, ऑप्शन बी, तो आपका सही ऑप्शन क्या है, आपका सही ऑप्शन ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए इस डायग्राम में भी आपको बताना है, सबसे आसान है ये भी, ऐसे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, देखते कई कैंडिडेट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार इसको किस तरह से करना है, इसको बस देख लेना, थोड़ा सा लॉजिक देखना आपको। इसमें देखिए कौन सा इसको उल्टा करने के बाद दिखाई देगा, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये नीचे डंडी है ना, और वहाँ पे ये ऐसा है, ये देखिए ये है ना, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि शुरू जो होगा वो ऐसे ही होगा, ठीक है, इधर ऐसे और इधर ऐसे, ठीक है, तो कौन सी है वो जिसके ऊपर ऐसा दिख रहा है, तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें और इसमें है, ठीक है, क्योंकि दोबारा से देखिए, क्योंकि ये देखिए जहाँ पे ये इस साइड पे है ना, तो ऊपर भी जो जब इसका उल्टा आएगा वो भी इस साइड आएगा, तो किसकी साइड पे ये ऐसा है, ये देखिए इस साइड में है, इस साइड में नहीं है, ये उल्टी साइड हो गया, तो आपका जो सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन सी,
थर्ड ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद खुद इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व मैं नहीं करूँगा, इसको सॉल्व सिर्फ आप करोगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस पर कुछ नहीं लिखूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो आपको कमेंट करना है, आपको ए बी या सी या फिर डी कमेंट करके आपको बताना है। जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बता दूंगा। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें जो सही आंसर था वो था पेशेंट, ठीक है। उसमें आंसर था पेशेंट, यानी कि ऑप्शन डी था। तो काफ़ी सारे लगभग सभी कैंडिडेट्स ने सही आंसर दिया था। तो इसका आंसर बताइए आप, जिसका आंसर सही होगा। आई नो इसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस गलत होंगे, आंसर्स गलत होंगे, तो जिसका आंसर सही होगा थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना, ताकि उसका मैं कमेंट पिन कर सकूं, ठीक है। तो गाइज आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो। अगर मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो harry_kashyap8 पर इंस्टाग्राम से बात कर सकते हैं, और जो vacancy@gk हमारा पेज है भी वहाँ पे हमें लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।